अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ग्लॉसी एंड ग्लोई आई मेकअप लुक। और आज की वीडियो में मैंने कोलाब किया है, मैंने कोलाब्रेशन किया है अपनी फ्रेंड देविका के साथ, और चैनल का नेम है द ब्यूटी देविका। मैं उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें एंड डू सब्सक्राइब टू हर चैनल। She is so beautiful and brilliant YouTuber, so do subscribe to her channel. और अगर आप लोगों को मेरा ये आई मेकअप लुक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये आई मेकअप कैसा लगा। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडियाज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। ऑफ़ कैमरा मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है अपनी ब्राउज़ को फिल करने का। यहाँ पर मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउज़ को कॉम कर रही हूँ। उसके बाद मार्स के आई शेडो पैलेट में से लाइट ग्रे कलर एंड डार्क ब्लैक कलर, दोनों कलर की हेल्प से अपनी ब्राउज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। ब्राउज़ को फिल करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़ के कॉर्नर पर पेंसिल या आप जो भी जिस चीज़ से भी ब्राउज़ फिल कर रहे हो उसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले अपने कॉर्नर की ब्राउज़ को फिल किया जाता है, और धीरे धीरे जो भी गैप्स आपकी ब्राउज़ में होते हैं आप उसे अपनी शेप ब्राउज़ के शेप के अकॉर्डिंग फिल करते जाएं। ब्राउज़ को फिल करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सेवन हेवेंस का फोटोजेनिक कंसीलर। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी हॉल वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वॉच द वीडियो। एंड यहाँ पर मैं अपनी ब्राउज़ को क्लीन कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से साइड में कंसीलर लगा कर। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, अदरवाइज आप ये स्किप भी कर सकते हो, मगर ऐसे करने से ब्राउ एकदम नीट लगती है और आई मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस। अब नेक्स्ट मैं सेम कंसीलर की हेल्प से अपनी आईलेट को प्राइम कर रही हूँ, और साथ ही साथ इस कंसीलर को अपने अंडर आई पर भी अप्लाई कर लूँगी अपने पिगमेंटेड एरिया को हाइड करने के लिए और अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके पिगमेंटेड एरियाज हाइड हो जाए और आपको एक क्लीन कैनवास रिसीव हो अपना आगे का मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट मैं एक ब्यूटी स्पंज की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। आप चाहो तो फाउंडेशन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। उसकी हेल्प में उसमें से ये वाइट कलर का पिंकिश वाइट कलर का शेड लेकर अपने आईलेट पर इसे अप्लाई कर रही हूँ, और अपने अंडर आई पर भी अपने अंडर आईज़ को और आईलेट को ब्राइटन अप करने के लिए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ब्राउनिश मरूनिश कलर पिक कर रही हूँ, और इसे अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। और इसी सेम शेड को मैं अच्छे से धीरे धीरे करके अपनी पूरी क्रीज में ब्लेंड करती जाऊंगी। इससे आई मेकअप लुक बहुत अच्छा आता है। आपको भी अपने ब्लेंडिंग पर ख़ास ध्यान देना है। अगर आप आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो बहुत चौकी काइंड ऑफ लगेंगे और बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे, तो इसलिए आपको अपनी ब्लेंडिंग पे ख़ास ध्यान देना है। मैं अपने आउटर वी पर फोकस करते हुए आई शेडो को अपनी क्रीज में डिपॉजिट करती जा रही हूँ, साथ ही साथ इसे अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करती जा रही हूँ। आपको भी सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये डार्क ग्रेश कलर और ब्राउन कलर साथ में मिक्स करके अपने आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ। आउटर वी पर डार्क कलर इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपकी आईज़ थोड़ी ओपन अप लगे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। हमेशा डार्क कलर्स को आप अपने आईज़ के आउटर एरियाज़ पर ही अप्लाई करें, इनर एरियाज़ पर कभी भी डार्क कलर्स को अप्लाई ना करें। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का शिमर ब्रिज हाइलाइटर, और इस पे मेरा शेड है N660।
एंड इसमें मेरा कलर है गोल्डन इश शैम्पियन काइंड ऑफ कलर, और इसके एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं उस इस हाइलाइटर को अपने पूरे आईलेट पर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैं हाइलाइटर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्रीमी हाइलाइटर है और मुझे एक ग्लोई एंड ग्लॉसी मेकअप लुक करना था। तो ग्लॉसी मेकअप लुक में आप कभी भी शिमरी काइंड ऑफ आई शेडोज़ नहीं यूज़ कर सकते, पाउडर आई मीन टू से पाउडर आई शेडोज़। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये क्रीमी टेक्सचर वाला एक हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है। और ये जस्ट मैंने 250 रुपीज़ का लोकल मार्केट से लिया था। ये मैक रियल मैक नहीं है, ये मैक का ड्यूप आई शेडो है, और इसकी हेल्प से मैं अपनी क्रीज पर सॉरी मैं इससे अपने आईलेट पर अच्छे से इस पूरे शेड को अप्लाई कर लूँगी, और साथ ही साथ इस शेड को मैं अपने इनर कॉर्नर और ब्रा बोन को भी इसी सेम शेड की हेल्प से हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से वो डार्क मरूनिश कलर पिक कर रही हूँ और इसे अपनी क्रीज लाइन में अगेन अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन और एजेस ना आए जब मेरे हाइलाइटेड कलर अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट मैं दोनों शेड आपस में मिक्स करके अपने क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ और इस और अपने आइटर वी को ज़्यादा हाइलाइटेड कर रही हूँ ताकि एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट हो। आई मेकअप में मैसअप ना दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम शेड को अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ, दोनों शेड को आपस में मिक्स करके। अब नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से सिल्वरिश कलर लूँगी और उसकी हेल्प से अपने इनर कॉर्नर को अगेन और ब्रा बोन को हाईलाइट करूँगी क्योंकि वो जो आईलेट पे मैंने कलर लगाया था वो नहीं शो हो रहा था, और इसकी हेल्प से मैं अपने चिक बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी और फिर एक ब्रश की हेल्प से सब कुछ ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से वाइट कलर लेके अपने अंडर आइज़ को अगेन ब्राइटन अप कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लाइनर, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लाइनर। ये लाइनर ड्राई होने के बाद आपको मैट फिनिश देता है और मुझे ये लाइनर पर्सनली बहुत पसंद है। ये वाटर प्रूफ लाइनर नहीं है, मैं अपनी वीडियोज़ में ये लाइनर यूज़ करती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो शूट करके उसे रिमूव करना होता है और ये लुक एकदम प्रोफेशनली देता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू एमएन का मस्कारा, एमएन का एक्सट्रीम लैश कर्ल मस्कारा। इसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को कोट कर लूँगी और अपने नी लोअर लैशेस को भी अच्छे से कोट कर लूँगी। उसके बाद मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस मेकअप को ऐसे ही एंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फॉल्सीज़। मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी की फॉल्सीज़ अप्लाई की हैं। आई होप आप लोगों को ये आई मेकअप ग्लॉसी एंड ग्लोई आई मेकअप लुक अच्छा लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाय।